गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे दोस्तों, जमशेदपुर वासियों। जमशेदपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगभग 300 लोग कोरोना के केस के संक्रमित हो चुके हैं और जमशेदपुर में टोटल 14 कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया है, जिसमें कल रविवार मंगलवार को 3 कंटेनमेंट नए जोन बनाए गए हैं। उसमें से एक बिरसा नगर जोन 1 में भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कुछ इलाका बिरसा नगर कंटेनमेंट जोन में आया है, जोन 1 का कुछ हिस्सा। तो आइए जानते हैं डिटेल में कंटेनमेंट जोन के बारे में। ये रहा न्यूज। कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने जमशेदपुर शहर के 3 स्थानों पर कंटेनमेंट जोन बना दिया है। इसे मिलाकर पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 14 कंटेनमेंट जोन हो गए हैं। कहाँ है कंटेनमेंट जोन, इसकी जानकारी हो जाए। बैरिकेडिंग की गई है बिरसा नगर जोन 1 में। यह मधु पीटर के घर से केन प्रसाद के घर तक कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में सी मिंज के घर से अभिजीत महतो के घर शामिल है। और भी कंटेनमेंट जोन जमशेदपुर में बनाए गए हैं, जैसे छोटा गोविंदपुर में कैलाश नगर में राजेंद्र शर्मा के घर से डीके राय के और केडी पंडित के घर से एस प्रजापति के घर तक कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में राजा दत्ता के घर से सुनील कुमार गुप्ता और एनजी भौमिक के घर से सुबोध सिंह का घर शामिल है। इसके अलावा 10 नंबर बस्ती में भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। वो है सिद्धगुड़ा थाना क्षेत्र में 10 नंबर बस्ती में सिंधु रोड पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जिसकी जद में परमजीत सिंह के घर से जयप्रकाश सिंह के घर और बफर जोन में अशोक डे के घर से अरुण तिवारी का घर शामिल है। इसके अलावा थोड़ा सा और जानकारी देखते हैं। बागबेड़ा में भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। बागबेड़ा में प्रधान टोला में रविवार को कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, जिसकी सीमा पप्पू यादव के घर से पीके रजक और मास्टर जी के घर से मिश्रा जी के घर शामिल है। बागबेड़ा सीपी टोला के बाल्टी कारखाना रोड में भी रविवार को ही कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, जिसकी सीमा अशोक सरकार के घर से गुड्डू दास और सुभद्रा देवी के घर से पप्पू दास के घर तक है। इस तरह से कंटेनमेंट जोन में प्रधान टोला बागबेड़ा निवासी का एक कोरोना पॉजिटिव किडनी रोग से भी ग्रसित है, जिसका इलाज टाटा मुख्य अस्पताल टीएमएच में कोविड वार्ड में चल रहा है। इस परिवार के 3 लोग कोरोना की चपेट में हैं। मंगलवार को जिला प्रशासन की टीम ने क्षेत्र में जाकर 56 लोगों समेत सीपी टोला में 26 लोगों की जांच की। वहीं सोमवार को कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज की मां और 2 बहन दाढ़ी बनाने वाले नाई और डॉक्टर के पास ले जाने वाले युवक को क्वारंटाइन किया गया। मां बेटी को टीएमएच में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। जुक्सलाई चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जेपी लाल, मुखिया जुमना हांसदा, राम सेवक राजकमल मुन्ना सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस तरह से जमशेदपुर में कोरोना केस बढ़ रहा है। पूरे झारखंड में भी कोरोना केस लगभग 1900 हो चुका है और पूरे इंडिया में कोरोना केस भी लगातार बढ़ते हुए 3.5 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। पूरे इंडिया में 12,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज दम तोड़ चुके हैं। पूरे दुनिया में भी लगातार कोरोना केस बढ़ते चले जा रहे हैं। 84 लाख से ज्यादा लोग कोरोना के संक्रमित पूरा दुनिया में हो चुके हैं, जिसमें से टोटल 4.5 लाख से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं, मर चुके हैं। इस तरह से घर में रहिए, सेफ रहिए, अपने परिवार को बचाइए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए और बाहर में जब भी किसी से बात करते हैं तो मास्क में ही जरूर रहा कीजिए। थैंक यू, विश यू हेल्दी लाइफ और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियो हमेशा मिलते रहे। शुक्रिया।